हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसर एस ब्लॉग्स इंडिया वन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा होममेड ग्रास कटर, जो आपकी घर में आप इसको बना सकती है। ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग गाय पालती है उन लोग की बहुत ज़रूरत है इसका। इसलिए आप लोगों को ये जो मशीन है इसके बारे में सारे डिटेल्स बताऊँगा ए टू जेड। वीडियो के अंत तक देखना तो आप लोग घर में भी इसको बना सकती है। तो चलिए, और जी ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता, 3000 से 4000 रुपया खर्च पड़ता है। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक दिखाऊंगा। तो चलिए, तो इसका नाम है ग्रास कटर मशीन। तो आप घर में इसको बना सकती है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता, सिर्फ आप लोगों को ये जो देख रही है इसका लोहे की जो पत्ती होना चाहिए और एक काट की टुकड़ा होना चाहिए, तो आप लोग इसको बना सकती हैं। तो पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो पहले आप लोग को ये जो पत्ती है लोहे की, इस तरह का पत्ती होना चाहिए। ये देखिए, एक पत्ती है और ये एक पत्ती है, ये दो पत्ती होना चाहिए और इधर भी दो पत्ती होना चाहिए, ये देखिए। और ये जो पत्ती है ये बहुत मज़बूत होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेकिन मज़बूत होना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, और दो पत्ती लेना है। ये देखिए, ये वाला पत्ती के ऊपर आप लोग खेद कर देना है, इसके ऊपर ये देखिए धाराल जैसा है, ताकि इसके ऊपर जो घास रहती है, जो घास वगैरह है वो इसके ऊपर रह जाए, इसलिए हम रख सकती है। इसलिए इसके ऊपर ऐसा दबा देना चाहिए, ये देखिए। और ये बहुत धाराल होता है। और उसके बाद एक काम करना चाहिए, ये जो पत्ती है दोनों पत्ती के अंदर ऐसा छेद करना चाहिए, देखिए छेद है। और ये जो छेद होगा, ये देखिए, ये दोनों छेद की अंदर में और टाइट सा कर देना है इसमें, और एक लोहे की जो पत्ती है छोटा सा इसमें इसके अंदर देना चाहिए, और इसके अंदर भी देना चाहिए, ताकि इसमें थोड़ा सा जगह हो जाए। इसमें हम इस बाके को, ये जो बाका है, बाका को हम रख सकते हैं। और उसके बाद क्या करना चाहिए, इसको टाइट करके यहाँ पे टाइट करके लगा देना चाहिए, और यहाँ पे भी टाइट करके लगा देना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये जो काट है इसका एक मीटर काट की टुकड़ा चाहिए, और इसमें इसकी जो नीचे का साइड है उसमें देखिए यह क्या करना चाहिए, इसे एक काट की टुकड़ा लगा देना चाहिए, और यह भी लगा देना चाहिए 2 से 3 इंची वाला है। और ये जो काट का टुकड़ा होना चाहिए ये 1 इंची वाला होना चाहिए, और इसके ऊपर में इसे देखिए साथी वाला जो गाजल है उसको इसमें दबा देना चाहिए। हम लोग यहाँ पे 4 गजाल दबाया है और यहाँ पे 3 गजाल दबाया है, ये देखिए। और उसके बाद क्या करना है, इसको ये जो काट का टुकड़ा है उसमें अच्छी तरह से छेद करना चाहिए, किसी आगर से छेद करके वहाँ पे नीचे में वॉशर देना चाहिए, नीचे 2 वॉशर और यहाँ पे भी नीचे 2 वॉशर देना चाहिए। और इसमें एक बोल्ट लगाना चाहिए, नट यानी बोल्ट दोनों एक साथ कर लगा देना चाहिए, और ऊपर में भी एक वॉशर देना चाहिए। इसको बहुत टाइट कर देना है और इसको भी टाइट करके देना है, ये देखिए। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी वॉशर देना है और उसके ऊपर में ऐसा नाट देना है, ये देखिए। उसके बाद आप लोगों का जो फ्रेम है, फ्रेम का काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये जो बाका है इससे एक बाका धाराल अच्छे लोहे की आप लोगों को एक बाका बनाना चाहिए ऐसा, और ऐसा वैन होना चाहिए, ये देखिए ऐसा वैन होना चाहिए। और इस ये जो पत्ती है इसमें एक छेद करना चाहिए, ये देखिए ये छेद है, और इसमें एक जो छेद है एक छेद करना चाहिए, और छेद में हम आराम से इसको लगा सकते हैं। तो इसको लगा कर हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो बाका है, बाका की जो
एक तो साइट है, इसमें आप लोगों को आता होना चाहिए। ये देखिए किसी भी फ्रेम का, इसको लाकर आप अगर जो भी कट सकते हैं घास वगैरह आप आराम से कट सकते हैं इसमें। तो देखिए तो इस तरह से आप लोग अगर इसको बनाएगी तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं पड़ता, लेकिन आप आराम से इसको बना सकते हैं आपके घर में। तो अगर आप लोग घास भी कर सकती है, फिर भी जो चीज़ भी होगा खर यानी घास किसी भी चीज़ आपको आप लोग कट सकती है आराम से। तो अगर आप लोग बनाना चाहती है तो आप लोग बना सकती है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो आप लोगों को अब दिखाऊंगा घास कैसे कटती है। तो रुकिए ज़रा हम दिखाते हैं। ये देखिए ये घास है, हम आप लोगों को काट के दिखाएंगे। चलिए तो ये घास जो है इसको हम यहाँ पे दे देंगे, ये देखिए। और उसके बाद ऐसे ठिसारेंगे तो आराम से ये कट जाएगी। तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस तरह से आराम से आप लोग काट सकते हैं। ये वाला देखिए आराम से आप लोग इसको काट सकते हैं पीस पीस करके। तो